फैसला नवाज शरीफ साहब का हुआ। और जो कुछ दो इश्यूज इस वक्त आ रहे हैं MQM, देखें क्या लोगों को आपने कौमी धारे में नहीं लाना जी? क्या आप कहते हैं कि ANP भी आए, फजल रहमान भी आए, पंजाब के लोग भी आए और MQM ना आए? क्यों भाई? उनको देखें, कराची एक सेंसिटिव शहर है। इस आसिफ सरदारी की ख्वाहिश होगी कि वो हुकूमत को प्रोलोंग करें और लंबा लेकर जाएं, जबकि शायद नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश ना हो। अगर जज बहाल करवाना उनके लिए खुद बहुत बड़ा जरूरी काम है, या उनको जज चाहिए, एक चीफ जस्टिस चाहिए या सदर चाहिए, तब उनके उनको पार्डन मिलती है। और भी मसला है, MQM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हुआ सिंध में, ये तो अच्छी डेवलपमेंट लगती है। ये जब पहले बेनजीर साहबा मरहुमा से बातचीत तय हो रही थी तो ये उनकी डिजायर और डिमांड में शामिल था। मैं ये बात कहना चाहता हूँ विद फुल गारंटी कि उनकी ये डिमांड थी कि MQM को कौन डिलीवर करेगा, MQM किधर जाएगी। लेकिन कराची एक बड़ा हसास शहर है। अगर आप ये कहना शुरू कर दें जी कि ANP नहीं आएगी मरकज में, कल आप कहना शुरू कर दें जी कि बलूची मरकज में नहीं आएंगे, सो हमें तमाम लोगों को, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी बात है कि वो नेशनल पॉलिटिक्स करें, ये एक कौमी दायरे में MQM खेले और कौमी लेवल पर अगर वो पॉलिटिक्स करे, सूबे में भी करे। लेकिन ना सिंध की सूरत हाल को पीपल्स पार्टी बेहतर समिति है, 6 या 7 वोटों का फर्क है। और अगर MQM बाहर रहती है और कोई भी पीपल्स पार्टी का फरीक, क्योंकि इक्तदार में नाराजगियां भी बहुत जल्दी हो जाती है, जैसा मैंने पहले कहा कि इक्तदार बड़ा मुश्किल काम है, अपोजिशन बड़ा आसान काम है, अगर कोई फ्रीक एक 6-7 आदमी का ग्रुप बना लेता है तो वहां बड़े मसाइल हैं। सिंध बड़ा हसास, कराची हमारा बड़ा हसास शहर है और उसमें MQM का एक वोट बैंक है, ये एक हकीकत है, इसका इतराफ कर लेना चाहिए। तो आपके ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट? मैं समझता हूँ बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। मैं समझता हूँ कि ये सेंसेबल अप्रोच है। मेरे ख्याल में ये कौमी धारे की सियासत में तमाम छोटे ग्रुपों को, बलोचिस्तान में जो इलेक्शन से बाहर रह गए हैं उनको भी, मैं समझता हूँ पख्तूनों को, बलोचों को इसमें शामिल करना चाहिए, क्योंकि मुल्क के मसाइल गंभीर हैं। शेख रशीद साहब का ये कहना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी और MQM का करीब आना एक बहुत अच्छी बात है। गुफ्तगू हमारी जारी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।